तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने देखा और रणवीर कपूर का जो है वो एक तरीके से दौर चल पड़ा है। जिस तरीके से आपने देखा उनकी एक के बाद एक जो मूवी है वो काफ़ी ज़बरदस्त उनकी मूवी आने वाली है। जिस तरीके से आपने पिछले टाइम में शमशेरा मूवी का जो है वो ट्रेलर देखा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त रहा था वो ट्रेलर। और जिस तरीके से देख करके उनको लुक को लग रहा था बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ऊपर ये मूवी जाने वाली, जो कि 2023 की हो सकता है टॉप मूवी पर भी वो जा सकती है। और आपको साथ ही बता दूं कि ब्रह्मास्त्र जो मूवी है वो काफ़ी टाइम से जो है वो सुर्खियों में, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट के साथ ये मूवी आने वाली है। इसी मूवी की शूटिंग के दौरान जो है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर एक तरीके से रिलेशनशिप में आए थे उनके, और उन्होंने ट्रेलर आने से पहले ही, उसका टीजर आने से पहले ही शादी की जो है वो कर ली थी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि शादी करने के बाद ही काफ़ी जो फैंस है वो काफ़ी एक तरीके से खुशी हुई थी उनको, जिस तरीके से आलिया भट्ट के और रणवीर कपूर के जो फैंस थे काफ़ी सारे एक तरीके से कह सकते हैं एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर के। जिस तरीके से मैंने देखा था न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही चीज़ छाई हुई थी कि उनकी शादी की चर्चे उनके छाए हुए थे हर जगह। तो उसमें जो उससे भी ज़्यादा आपको खुश कर देने वाली जो है खबर सामने आ रही है, जिस बात की जानकारी जो आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए दी है, अवर बेबी कमिंग सून। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उनके जो चाइल्ड है वो जल्दी आने वाला है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का, जो कि जिस तरीके से आपने देखा उन्होंने अपने पोस्ट पे जो है हॉस्पिटल में एडमिट जब वो थी आलिया भट्ट उस समय के दौरान उन्होंने पोस्ट डालते हुए यहाँ पर जो लिखा है नीचे जिस तरीके से आपने देखा होगा, और काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटी है उन्होंने जाके उनको बधाई भी दी है वहाँ पर पे, और सेलिब्रिटी के साथ साथ बाकी लोगों ने भी उनको इस चीज़ को लेकर के बधाई दी है काफ़ी सारी, बहुत बहुत एक तरीके से कहते हैं बहुत बहुत बधाई दी है उनको। और आपने देखा वो करण जौहर के साथ साथ और भी बड़े जो हस्तियाँ हैं उन्होंने भी उनको जाकर के वहाँ पर बधाई दी है जिस तरीके से, और काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं उनकी फैमिली के लिए और उनके फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा वो अपने फैंस के लिए एक के बाद एक बड़ी न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ट्रेलर वो दे रहे हैं, एक के बाद एक मूवी वो दे रहे हैं, और ये साथ ही ये खबर दे रहे हैं जिस तरीके से बीच बीच में वो अपनी शादी को ले आए, बीच में जो तरीके से उन्होंने चाइल्ड के लिए एक तरीके से खबर दे दी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तड़का लगाने वाली मूवी में एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है रणवीर कपूर बॉलीवुड से किसी मूवी में नहीं देखने को मिले थे, काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है वो एक के बाद एक मूवी देने वाले हैं, तो कि इसी बीच उन्होंने शादी भी की है। इसी बीच ये भी खबर आती है कि वो एक तरीके से आलिया भट्ट जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, जिस बात की जानकारी जो वो आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए दी है। साथ ही उन्होंने इसके साथ साथ एक पोस्ट और की थी जो कि लॉयंस की जो फैमिली थी उसको लेकर के। तो दोस्तों इसमें एक मेल लॉयन होता है और जो है एक फीमेल होती है और उनका जो है वो बच्चा होता है, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बताया कि लॉयंस की फैमिली में जो है वो भी वहाँ पर भी एक चाइल्ड उनके जो बेबी है वो भी वहाँ पर आने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये पोस्ट वहाँ पर डाली है, इस चीज़ की उन्होंने खुद ही जानकारी दी है। और दोस्तों अगर आप भी आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के फैन हैं और आपको इस बात को सुनकर के कितनी खुशी हुई थी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी लाइक और कमेंट करके बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।